नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मजंदा और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर धनिया पर विशेष। हालांकि आज धनिया के कारोबार के अंदर हम हल्का लाल निशान देख रहे हैं और धनिया की कीमतें वायदा कारोबार के अंदर में लुढ़की हुई हैं, लेकिन वहीं हाजिर बाजार की बात करें तो हाजिर बाजार में धनिया में एक तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। और ये तेजी कहां से आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर के इसकी पड़ताल की। सबसे पहले हम चलते हैं नीमच मंडी में, जहां पर अराइवल्स का भी दबाव भी है और वहां पर कारोबारी क्या कह रहे हैं। नवल मित्तल का साक्षात्कार किया हमारे संवाददाता विजीत ने, उनसे जानते हैं कि इस समय पर वहां का माहौल क्या है, धनिया में किस प्रकार से उन्हें तेजी की ब्यार बहती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की धनिया मंडी में मौजूद है। धनिया के भाव में किस तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ नीमच के और व्यापारी हैं और एक्सपर्ट बोल सकते हैं इनको, क्योंकि लगातार ये जो मंडी की उपज है उन पर इनकी नज़र बनी रहती है। किस तरह का आने वाला समय होगा, वर्तमान क्या चल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर वे अपनी राय समय समय पर देते रहते हैं। मतलब इनकी बात ये है कि ये जो व्यापारी हैं इनसे सलाह लेने के लिए मतलब नीमच के साथ साथ आसपास के राज्यों, इवन राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापारी बड़े बड़े वो भी सलाह लेते हैं। तो आज हमारे साथ नवल जी मित्तल है और नवल जी मित्तल से जानेंगे कि क्या धनिया में चल रहा है। भाई साहब आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स में। हाँ नमस्कार। नमस्कार। धनिया को लेकर आज के क्या हालात है, पहले तो आज क्या भाव रहा, क्या नहीं रहा नीमच का? बहुत बढ़िया भाव है, आज भी 200-300 रुपये तेज पर डे है। हर दिन जैसे जैसे गुजर जा रहा है 100-200 तेज है, क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति 100 से 125 रुपये जाके टिक गई है। धनिया इस साल 50% से ज़्यादा पैदा नहीं हो पा रहा है। अभी जितनी जितनी रिपोर्ट आती है, पहले आई थी 90% पैदा हो गया, फिर आई 80 हो गया, धीरे धीरे सर्वे कर करके जो लोग निकल के आते हैं। वैसे तो देखो हर अफीम की खेती का भी गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाती कि कितनी अफीम पैदा होती है उसको, जो कि नप्ती में है, कस्टडी में है पुलिस की, उसका पता नहीं है कितना पोस्ता दाना हुआ। मगर फिर भी एक व्यापार आईडी से चलता है, गवर्नमेंट सेटेलाइट से भी उसका पता लगाती है आजकल कि कितना धनिया हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर व्यापारी वर्ग क्या करता है, अपने अपने इलाकों में सब अपने लोगों से बातचीत करता है, उससे पूरी सर्वे रिपोर्ट अभी तक ये निकल के आई है 50 से 60% से ज़्यादा धनिया हुआ नहीं। और इसकी प्रमुख जो स्टेट हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात प्रमुख हैं ये। और उसमें हम लोग सब मिला के भी मान लें तो 60 से 70 हज़ार बोरी ज़्यादा पैदा नहीं हो रही, पूर्व में मैंने बताया है। और खपत 1.5 करोड़ बोरी की है इसकी। और जो पुराना कैरी फॉरवर्ड है वो ऐसे हाथों में रहता है, लाख लाख 2-2 लाख बोरी के स्टॉकेज भी हैं, एक नंबर में बराबर माल रखते हैं, वो जब तक 5 साल में डबल नहीं हो जाए जब तक तो छोड़ते ही नहीं, इसलिए उस माल को तो हम डेढ़ मान लेते हैं। इसलिए इस साल मनोवृत्ति बहुत तेज़ है। और मैं तो जन्म ही मंडी में लिया, मेरा 6-7-8 को जन्म मंडी में हुआ और मंडी में रहा हूँ और मंडी का ही डायरेक्टर बरसों से, मंडी का व्यापारी प्रतिनिधि हूँ, तो ऐसे में मुझे तो उतार चढ़ाव काफ़ी देखता हूँ हर चीज़ का। इस साल धनिया निश्चित रूप से एक आकर्षक भाव रहेंगे, लोगों में उत्सुकता भी बहुत है इस साल कि यार धनिया में अच्छा। धनिया ऐसी शुगन की आइटम है ये कि इसके अंदर नुकसान तो कभी होता ही नहीं है। आदमी अगर दाव लगा के रखे, पैसा लगाता है तो उसको मुनाफा मिलता है। अच्छा बोलने का तो पैसा लगता नहीं, बोलने में मैं कह दूँ 200 हो जाएगा, बोलने का माल लगा के रखना पड़ता है छाती पे, जब वो 200 हो सकता है, अगर आप लेंगे तभी तो 200 होगा दोरी ऐसे। इसलिए धनिया में ध्यान बहुत तेज़ है, बढ़िया मंडी है नीमच की, बहुत बढ़िया माल आता है, क्वालिटी नंबर 1 है इंडिया की अपनी, इतने माल की डिमांड खूब है। जैसा कि आपको मतलब मध्य प्रदेश के आसपास के जो व्यापारी है वो तो सलाह लेते हैं, दूसरे राष्ट्रीय स्तर के दूसरे राज्यों के भी धनिया को लेकर जो व्यापारी सलाह लेते थे वो किस तरह की बातचीत आपसे करते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं उनके? नहीं, ये तय है कि गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, मगर एक्सपोर्टर जो हैं हम लोगों के नीमच के जो व्यापारी हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। यहाँ से मुंदला पोर्ट है, कांडला पोर्ट है और बॉम्बे है वासी, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टर को माल हम दे देते हैं, क्योंकि इतना रिस्क फैक्टर हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे बॉम्बे में ऑफिस चाहिए, क्लियरिंग एजेंट चाहिए, तो 1 रुपये का मुनाफा 8-8 में कन्वर्ट हो जाता है। 1-2 जने अभी हुए हैं जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, मगर उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं एक्सपोर्टर को दे देते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर भी रिपोर्ट ये आती है कि इंडिया के माल की डिमांड बहुत है, इंडिया का माल इतना बढ़िया आता है, क्वालिटी मसाला वैसे तो पैदा और भी जगह होता है, टर्की से भी इम्पोर्ट होता है धनिया, मगर अभी पुराने मैंने बताया आपको विदेशों में हालात वो ख़राब है। ऐसे में हिंदुस्तान का धनिया चलेगा, मसाला चलेगा और मसाले में कभी मद्दी नहीं आ सकती। तो आपने सुना नवल मित्तल जी को, नवल मित्तल ने बताया कि एक तेजी यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है,
विदेशी बाजारों से डिमांड निकल रही है, उत्पादन कमजोर है और उत्पादन और जो डिमांड है उसके अंदर में हम एक बड़ा गैप देख रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं मध्य प्रदेश की ही मंडी मंदसौर में, जहां पर दीपक ने कारोबारियों से जानने की कोशिश की, प्रदीप जी से बात की, वहां के कारोबारी से बात की और साथ ही साथ दूसरे अन्य कारोबारियों से भी बातचीत की। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहां का माहौल क्या है और वो धनिया को लेकर के क्या विचार रखते हैं। हम मंदसौर मंडी के अंदर पहुंचे हैं और मंदसौर मंडी के अंदर आज धनिया की कितनी आवक रही होगी और क्या भाव चल रहा है, हमारे साथ जो है सूर्या फूड प्रोडक्ट है, इनके ऑनर है पंकज जी। पंकज जी, अगर बात करें धनिया की तो आज मंदसौर मंडी के अंदर जो है कितना आवक हुई होगी, क्या रेट चल रहा है? धनिया की आवक सर ये करीबन है 800 से 1000 बोरी करीब है और बिक रहा है करीबन 6000 से लेके 7000 तक के भाव है। सूखे माल के 7000 तक बिक रहा है, बाकी एवरेज ये 58-60 रुपए गीला माल जो आ रहा है, थोड़ा मॉइस्चर आ रहा नमी वाला मॉइस्चर आगे, वाला आगे क्या स्थिति रहने वाली कुछ है मार्केट आगे तो धनिया वैसे तो ऊंचा बिकना चाहिए आगे तो अच्छी है, मतलब भविष्य तो अच्छा है। अच्छा भविष्य, हाँ कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि धनिया ही नहीं 100 रुपए तक जा सकता है धनिया। अच्छा 10000 तक जा सकता है। उपज कम हुई है या कुछ? उपज कम है, पैदावार कम है इस बार और इसके पहले वाले भी पैदावार कम थी, अगले साल भी इस साल भी पैदावार नहीं धनिया की। 10000 तक, अभी 7000 तक जा रहा है। हाँ अभी 7000 तक जा रहा है ये सूखा धनिया। ये अभी 1000 रुपए की तेजी आ गई है दो दिन में 1000 रुपए की तेजी आई है। तो हमारे जो पंकज जी जो व्यापारी हैं, इनका कहना है कि अभी दो दिन में धनिया में 1000 रुपए की जो है तेजी आई है, आगे बाजार अच्छा दिखाई दे रहा है, 10000 तक धनिया का जो है वो भाव जा सकता है। तो फिलहाल मंदसौर मंडी के अंदर धनिया के जो भाव है वो ऊंचे में 7000 तक है, लेकिन ये जो है रेट है वो सूखे धनिया के हैं। कोई मॉइस्चर वाला जो धनिया है उसके थोड़े कम प्रभाव है, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का धनिया है, सूखा धनिया है, वो मंदसौर मंडी के अंदर ऊंचे में 7000 तक रुपए बिक रहा है। कुल मिलाकर अगर कारोबारियों की माने तो यहाँ पर मंदसौर मंडी के भी कारोबारी और नीमच मंडी के भी कारोबारियों का ये मानना है कि अब उत्पादन जिस तरीके से डेफिसिट देखने को मिल रहा है, उत्पादन के अंदर कमी देखने को मिल रही है और जो इस समय पर बाजार का जो इस समय स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी तेजी है। हालांकि हमने अन्य मसालों के अंदर में एक तरफा रैली आते हुए देखी, एक तरफा तेजी आते हुए देखी, चाहे वो जीरा की बात की जाए, हल्दी की बात की जाए, अब उसका तेजी का स्पाइसेस के अंदर में हाई हुई उस तेजी का भी कुछ ना कुछ असर यहाँ पर धनिया में जरूर दिखाई दे सकता है। हालांकि कारोबारियों ने जो अपने इंटरव्यू के अंदर में बताया कि 10000 रुपए जल्द ही यहां पर देखने को मिल सकते हैं धनिया में, तो मार्केट टाइम्स टीवी की भी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि निश्चित तौर के ऊपर पे हो सकता है कि 10000 रुपए का एक स्तर जो है वो जल्द यहां पर बाजार के अंदर टूटता हुआ नजर आए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी और अगर रिपोर्ट आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को निश्चित तौर के ऊपर आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि जल्द से जल्द खबरें आप तक पहुंचें और आप ताजा जानकारी से अपडेटेड रहें। बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा।